बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम आजकल के दौर में भी देखते हैं, यानी जब कोई शख्स थक जाए या किसी मायूसी में मुब्तला हो या गमजदा हो तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर वो किसी पुरफजा मकाम पर चला जाए या मतलब कुछ दिन के लिए कहीं आउटिंग पे चला जाए तो फिर उसके लिए, यानी जो उसकी मायूसी है, जो परेशानी है, जो उदासी है, वो कम हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल हुज़न के बाद बहुत गमज़दा थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी शरीक हयात, आपकी ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा तुल्कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो इस दुनिया से रुख़सत फरमा चुकी थी। इसी तरह आपके चचा हज़रत अबू तालिब, जिन्होंने आपको बाप की तरह पाला था, और वो भी इस दुनिया से जा चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुख, इस परेशानी से निकालने के लिए आप देखें कि अल्लाह ताला जो है वो अपने पास बुला लेता है। यानी सर ला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा, वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगलुलाबे कमाले ही। यानी नाजरीन, ये एक ऐसा सफ़र है जो कि फिज़िकल जर्नी है। यानी अगर कोई कहे ना कि ख्याल में कोई आ गया तो बिल्कुल गलत बात है। एक बाकायदा फिज़िकल जर्नी जो ज़मीन से लेके, यानी पहले बैतुल मक़दस, बैतुल मक़दस से लेके बैतुल्लाह, यानी बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस, और फिर बैतुल मक़दस से सातवें आसमान तक, और फिर सिदरतुल मुंतहा। यानी एक मौका वो आया जहाँ पे जिब्रील अमीन के भी पर जलने लगे, फ़रिश्तों के पर जल जाते हैं, और फिर वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र आगे का अकेले तय किया। फिर ये वाक़िया मेराज, जिसमें हमें यानी हमारी नमाज जो है वो पांच वक्त की हुई, यानी 50 वक्त की नमाजें थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि 50 नमाजें, क्योंकि उम्मत का हाल जानते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि इन नमाजों में कुछ कमी कर दी जाए। चुनाचे हर दफ़ा 5 नमाजों की कमी होती रही, और फिर 5 नमाजें जो हैं वो मुसलमानों पर फ़र्ज कर दी गई। नाज़रीन, बहुत बड़ी, यानी एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा सफ़र जो कि बाकायदा फिज़िकली, यानी अगर आज से हम ज़्यादा नहीं 50 साल पहले भी या 100 साल पहले भी सोचें तो शायद अकल दंग रह जाती कि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। लेकिन अब आज के दौर में अब हम खुद कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल मुमकिन है, और ये सफ़र हुआ, और इसकी सबसे पहले इसकी शहादत देने वाले, यानी वो जिनको सिद्दीक का लक़ब मिल गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने इस सफ़र की, यानी सिर्फ लोगों से सुन के, अहले मक्का से सुन के, कि जब उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं तो मुझे यही बात काफ़ी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है, और इस बात पर मैं तस्दीक करता हूँ कि ऐसा वाक़िया हुआ होगा। बहरहाल नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है अल्लाह ताला की पाक और बाबरकत नाम से। हमारे साथ मौजूद हैं कारी फैसल चिश्ती, सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, खुश आमदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला के हुज़ूर तलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان الله جزاك الله بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی ناظرین قاری فیصل چشتی نے سورہ بنی اسرائیل آیت 1 کی تلاوت کی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک وہ مسجد اقصا کی برکت دی ہے ہم نے جس کے ماحول کو تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیاں بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا دیکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمو آمین ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور جس طرح ان آیات میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راتوں رات کا ذکر کیا گیا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بستر سے تشریف لے جاتے ہیں براق پہ سواری کرتے ہوئے اور جس کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ ایک ایک اس کی جو ٹاپ تھی وہ ایسی تھی کہ وہ کوسوں کئی کئی سو کوس تک آگے جاتی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف دوبارہ واپس آئے ہیں تشریف لائے ہیں تو آپ یقین کریں کہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک گرم تھا دروازے پہ جو کنڈی لگی ہوتی ہے وہ تک ابھی ہل رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی کی اور یعنی ایک ایسا سفر جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا شرف بخشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کلام ہوئے اور اب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں بہرحال اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اب میں درخواست کروں گا ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں ثنا خواں ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں اور جو مقابلہ نعت خوانی پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے جو منعقد کیا جاتا ہے اس کے ججز میں بھی شامل ہوتے ہیں نعت گو شاعر ہیں شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام شکیل بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ شکیل بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب
करीम है, तू रहीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, नहीं तुझ सा कोई भी दूसरा, तू खबीर है, तू अलीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू बईद भी, तू करीब भी, तू बईद भी, तू करीब भी, तू मुहिब भी है, हबीब भी, तू हरारते दिले आशिकां, तू निशान अक्ल सलीम भी, तू करीम है, रहीम है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, क्या कहने क्या कहने। नाज़रीन, अब हमारी इस ट्रांसमिशन में जो सेगमेंट है, यानी वक्त हुआ चाहता है कसीदा बुर्दा शरीफ का, वो कसीदा जिसे हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया, और फिर ये कसीदा ऐसा मकबूल हुआ कि ना सिर्फ ज़बान ज़द आम बल्कि बहुत सी बीमारियों का इसमें इलाज मौजूद है। और चूंकि आज हम वाकया मेराज का तذکرہ कर रहे हैं, तो आज के जो अशआर हैं वो इसी हवाले से हमने उनका इंतखाब किया है, यानी कसीदा बुर्दा शरीफ में जहाँ वाकया मेराज का तذکرہ किया गया है वो अशआर आपके सामने पेश किए जाएंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा क़ारी फैसल चिश्ती से और सना सैयद से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करने की सआदत हासिल करें। مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمتك جميع الأنبياء بها وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مسجد اقصى میں بن کر انبیاء کے پیشوا مسجد اقصى میں بن کر انبیاء کے پیشوا آپ تھے مخدوم باقی انبیاء سب تھے قدم And O Prophet, peace be upon him, you were preferred to lead other prophets alayhi salam in prayer due to your high position by all prophets and messengers alayhi salam, just as a preference given by a servant to his master. Mawlaya salli wa sallim daiman
خير الخلق كلهم وأنت تخترق السبع الطباق بهم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم सफर बांबिया तय किया सात आसमानों का सफर बांबिया आप अफवाजे मलायक मीठी बाशानो अलम एंड ओ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यू पास्ड द सेवन हेवंस विद देम प्रॉफिट सलाम सलाम व्हाइल दे वर इन योर वे एंड मेट यू एंड यू कंटिन्यूड योर जर्नी in such a procession of angels and prophets alayhim salam in which you were the leader of them maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كلهم जी नाज़रीन कसीदा बुर्दा शरीफ के बाद सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कारी फैसल चिश्ती का और सना सैयद का नाज़रीन हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माहिर रबीउल अव्वल की ये खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार आ रहे हैं मरहबा जी नाज़रीन वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माहिर रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल नाज़रीन अब हमारे इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहेंगे और इससे पहले कि हम वाक़िया मेराज पे गुफ्तगू का आगाज़ करें हमारे आज के जो मेहमान गिरामी उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो है उनका ताल्लुक़ शोबा दरस व तदरीस से है और साबिक रईस हैं जो कि यानी कुलिया फ़नून व समाजी उलूम जामिया कराची से इनका ताल्लुक़ है और इसके अलावा सीरत पे बहुत खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं और सबसे बड़े के उस्ताद जो होता है सर वो तो जाहिर सी बात है नाज़रीन फिर उसकी बात ही और होती है तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमद कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह आपको खुश आमदीद कहते हैं शुक्रिया बुलंद भाई आप ठीक हैं माशाल्लाह इसके अलावा हमारे जो दूसरे मेहमान हैं बाई प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर यानी तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर हैं हाफिज़ हैं क़ारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ क़ारी डॉक्टर जमील राठौर साहब अस्सलाम वालेकुम जमील भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में हाँ जी इसके अलावा आज जो हमारी तीसरी जो मेहमान हैं उनके हवाले से आपको ये बताना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है यानी हम अपनी इस ट्रांसमिशन में सियासतदानों को भी मदऊ करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका या ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का भी ये कहना है कि इस पाकिस्तान को दरअसल जो नस्बुल ऐन है वो रियासत मदीना बनाना है तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरसलान ताज साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है अस्सलाम वालेकुम अरसलान ताज साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में जी और नाज़रीन हमारे साथ शकील मदनी साहब मौजूद हैं जो कि सनाख्वा हैं नातख्वा हैं प्रोफेसर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सर वाक़िया मेराज यानी एक ऐसा फिज़िकल सफ़र फिज़िकल जर्नी जो कि ज़मीन के एक टुकड़े से फिर दूसरे मकाम तक और फिर आसमानों की तरफ किया गया सर
क्या उसके बारे में बयान करना चाहेंगे, उसकी यानी इब्तिदा और फिर किस तरीके से सफ़र शुरू हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यसल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदाया वासिअल करम। बाद हम तो सलात के डॉक्टर बुलंद इकबाल भाई हमारे बहुत ही मोहब्बत वाले भाई हैं आप, और क़ारी साहब ने जो आयात क़ुरानियाँ बयान की और फिर अपने सरनामा कलाम में जो एक उनवान बांध दिया वाक़ए मेराज का, वो एक तलखीस थी। और यकीन वासिक है कि इस वाक़े से कुछ हम सबक हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगियों में कुछ सीखेंगे और रूहानियत को वजूद का हिस्सा बनाएंगे। कुरान फरमाता है, और कुरान पर तो माशाल्लाह अथॉरिटी बैठे हुए हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई हमारे जमील साहब डॉक्टर जमील राठौर। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुभान का मतलब यह है कि आपके वजूद की सारी गलाजतों को धोकर सुभान के जरिए पाकीज़ा कर दिया। सुभान, कि आप देखो आप गलाजत मत लाना। कुरान में जब भी असलूब इख्तियार किया कद का, इन्ना का, अन्ना का, तो कहा कि तुम्हारे जहनों में शकूक आएंगे, हमें मालूम है क्योंकि तुम हमारी तख्लीक हो और हमारे तुम वो अब्द हो कि जिसको हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों की वजह से इज्जत दी है, इसलिए अशरफुल खलाइक हो, अशरफुल मखलूकात हो। लेकिन सुभान कहकर बतला दिया कि शक ना लाना क्योंकि तुम शक से बने हुए हो। अब असरा, उन्होंने सैर नहीं की, तुम्हें तो हमने सैर कराई है अरबी जबान में। अब एक जो शक है उसका इजाला, कि ख्वाब में देखा, खुद चले गए, तसव्वुराती मबाहिस हैं, या कहीं कोई ऐसी बात है कि हुजूर ने सोच लिया और हो गया, नहीं, वजूदी मेराज है, हमने उन्हें ऐसा उरूज दिया, ऐसा उरूज दिया कि वो अपने नालेन के साथ हम तक आए, कदमों के साथ आए, अपने वजूदी मबाहिस को। जो लोग इल्मे कलाम के माहिर हैं वो जानते हैं कि इल्मे कलाम के लोग कहते हैं कि जहाँ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वहाँ तसव्वुरात नहीं होते हैं, और वो तसव्वुरात हकायक की तरफ होते हैं। और अब्द कहकर ये बतला दिया कि सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रात क्यों रखी? रात रखी इसलिए कि जब दुनिया गाफिल हो जाए तो हम मुस्तफ़ा को अपनी जानिब बुलाएं ताकि गफलत से जगा दें। वाह वाह वाह, गफलत से जगा दें, ऐसे होने वाले उठो, मैं सुबह आ गया हूँ, बिस्तर गर्म है वैसे ही। और अम्बिया और मलाइका, मैं मुख्तसर बयान करते चलूंगा क्योंकि आगे भी अहबाब है, कि अंबिया और मलाइका 7 सफ़े अंबिया की बनी, 3 सफ़े मुरसलीन की बनी, फिर उसके बाद सारे जितने भी मलाइका हैं, तो इक्तदाए मोहम्मद इस पर ईमान जुज़्वे ईमान है। वा, वा, वा। और अगर कोई शक करे कि नबी का इमाम नहीं, तो निकल गया, बिल्कुल मुरसलीन नहीं आए इनकी ताईद के लिए, निकल गया। और कौन है जो जिब्रील से लेकर नीचे तक ये कहे कि मुस्तफ़ा तुम्हारे चेहरे से हमारी जिंदगी है? और कौन है जो जिब्रील को ये अदब सिखाए कि दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर मुस्तफ़ा करीम के दरवाजे पर ना जाना, और इंसानों को कहा कि ऊंची आवाज में ना बोलना, और इनसे तो ये कहा कि वही मेरी लेकर जा रहे हो तो ये मत सोचना कि वही लेकर जा रहे हो तो फौरन दाखिल होना है, इसने मुस्तफ़ा के बगैर हाजरी मुस्तफ़ा नहीं है। तो अब ये जो सफर है पूरा, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम रिदवानल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, मैं जो आपने एक वाकया जो उस तरफ हजरत सिद्दीक अकबर का और जिसके बाद सिद्दीक का लकब भी मिला, इस वाक़े की जो असल असील है वो ये है कि जो ये असरा है और ये जो रात है और इस रात में जो पैगाम है नमाज का, इबादत का, मोहब्बतों का और दिलों की कदूरतों को धोने का, वो ये है कि नमाजें दिखावे की ना हो, पाकिजगी की हो। वाह वाह, तादाद नहीं है बल्कि असल में रूहानी जज्बा है जिसमें ये ना कहे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ लिहाजा मैं जन्नती हूँ। दूसरे की तरफ सिदके दिल से और खुशू खुदू के साथ नमाज अदा कर दी जाए तो उसका सवाब वही 50 नमाज। बेशक, सिर्फ एक जुमला मुकम्मल करके उसके बाद आप यकीनन हमारे अहबाब की जानिब जाएंगे कि ये मेराज का वाकया रूहानी अकीदत के साथ साथ इबादत का सलीका है। और मुझे तिर्मिज़ी की वो हदीस याद आ रही है कि जिसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की कि जो शख्स इस रात को सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ ले तो उसके समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह है तो माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। तो ये बरकतों वाली रात और पाकिजगी की रात, और फिर साइंसी एतबार से बाय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हुजूर गए तो लम्हात को रोक दिया, कायनात रुक गई, थम गई, वक्त रुक गया। और जो साइंस जानते हैं उनको ये मालूम है कि लाखों साल के अंदर एक पल ऐसा आता है जब लम्हा रुक जाता है। ये मेराज कदम मुस्तफ़ा की बरकत है कि हुजूर जब निकले
तो कायनात की रूह निकल गई, और हुजूर वापस जब तशरीफ लाए तो कायनात की रूह आ गई। क्या ये रूहानी सफर लम्हात की बाय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को जो लोग नापते हैं फिजिक्स के लोग, और जो इंट्रा साइकिल को देखते हैं उनको ये भी पता है कि लम्हों को किस तरीके से तकसीम किया जाता है। लेकिन ये वाकई मेराज का वो पल नूर का है, और नूर में जब शिद्दत आ जाए मोहब्बत की तो जिब्रील भी कहते हैं कि ये मेरा मकाम अब यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से अब कौसैने व अदना, अब महबूब जाने और मुहिब जाने, और मैं तो मालिक ही कहूंगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी, मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्यों मालिक के हबीब। लोग पूछते हैं ना कि कैसे हुई महराज, तुम कोई अर्श के मालिक थोड़ी हो जो तुम पूछते हो कि अर्श की महराज कैसे हुई। तुम महबूब और मुहिब के मामलात को जानोगे, तुम्हें तो अपने अंदर का नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। तुम इल्म गैब को जानोगे कि नबी बनाकर इल्म गैब दे दिया, और नबी बनाकर मौजात कामिला दे दिए, नबी बनाकर ये बतला दिया कि मेराज पे यकीन रखोगे तो ईमान से खारिज हो। इसलिए ये कहा कि आला हजरत ने जो इस मोहब्बत के गिरा को खोला और समझाया वो हम जैसे नाकुसुल अक्ल लोगों को, फजल बरेलवी ने वो जुमला वो जो शेर है वो ये है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो ये मेरा तेरा फर्द करता है, रूह और नूर मेरा तेरा नहीं होता, वो तो वजूद ही है। सुभान सुभान, क्या कहने क्या कहने। डॉक्टर साहब, यानी एक ऐसा सफ़र, फिजिकल जर्नी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला हम कलाम होता है, यानी आप देखें कि वो शर्फ हासिल हुआ, यानी वो हदें भी पार हुई जहाँ पे जिब्रील अमीन के पर जो है वो जलने लगे, क्या फरमाएंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, के होते हुए मेरा बोलना यकीनी तौर पर यह ऐब और नक्स शुमार होगा, लेकिन जिस ज़ात की हम तारीफ कर रहे हैं उस ज़ात से जब निस्बतें हो जाए तो अल्लाह सारे ऐब दूर कर देता है। वाह वाह, वाक़ मेराज तारीख़ इंसानियत का एक ऐसा नादिरुल वक़ू और मुहय्यरुल उक़ूल वाक़िया है, एक ऐसी दास्तान इश्क़ मोहब्बत है, एक ऐसा उरूज व इर्तिका है, एक ऐसी आज़मत व फजीलत है कि इसकी तफसीलात व जुज़ियात पर जितना गौर करते हैं तो अक्ल इंसानी हैरान व परेशान भी रह जाती है और सर बगरेबान भी हो जाती है, इसलिए कि अक्ल इसकी गुत्थियाँ सुलझाने से कासिर है। ये मावराए अक्ल है, मावराए अक्ल, और मौजज़ा होता ही वो है कि जिसके सामने अक्ल इंसानी आजिज़ रह जाती है। तो यकीनी तौर पर एजाज़ुल कुरान और मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मौजज़ात। मैं यहाँ पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की तीन जुज़ियात पर गौर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, बल्कि रोशनी हासिल करने की कोशिश करूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे लताइफ़ को मेराज हुई। जब अल्लाह ने अब्द कह दिया तो अब्द का इतलाक रूह माल जसद के ऊपर होता है। अगर कोई मेराज मनामी की बात करें तो वो अब्द उसमें जिक्र नहीं आएगा। अब जब आ गया इसका मतलब है रूह भी आ गई, जिस्म भी आ गया। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां पर आपकी बशरियत को मेराज हासिल हुई, इसलिए कि हर दौर के सारे बशरियत के बड़े बड़े इमाम वहां पर जमा हो गए, और हुजूर ने फरमाया या उम्मुल कौम इकरामुहुम, तुम में से तुम्हारा इमाम वो होना चाहिए जो तुम में सबसे बढ़कर ताजीम वाला हो। अब वो ताजीम क्या होगी कि तुम में सबसे अच्छी क़िरात करने वाला भी हो, तुमसे अच्छा इल्म रखने वाला भी हो, तुम सबसे अच्छा हुस्न व जमाल वाला भी हो। अब 1,25,000 नबी अपने अपने दौर के इमाम जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम भी मौजूद है, अबुल बशर हजरत सय्यदना आदम अली सलात व तस्लीम भी मौजूद है, मूसा कलीम भी मौजूद है, ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद हैं, लेकिन जिब्राइल अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को थाम कर आपको मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर देते हैं। ये इस बात की दलील है कि हुजूर की आवाज़ भी लहने दाऊद से अच्छी है, हुजूर का हुस्न भी हुस्न यूसुफ से अच्छा है, हुजूर को अल्लाह ने शर्फ कलाम भी अता किया, शर्फ दीदार भी अता करना है, लिहाजा वो कलीम से ऊपर जाकर हबीब का दर्जा पा चुके हैं, और यकीनी तौर पर अल्लाह का कलमा भी है, ईसा रूहुल्लाह पीछे मौजूद है, सारे नबी सफ बसफ होकर शर्फ से मुक्तदी बन रहे हैं, मुस्तफा इमाम हो गए, लिहाजा वो हुजूर की बशरियत की मेराज थी कि सारे नबी पीछे हैं और हुजूर बशरियत
بشریت کے ہر دور کے رہنماؤں میں سب سے آگے جا کر ان کے امام بن گئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, تو عالم میثاق کا جو وعدہ تھا سارے نبیوں نے پورا کیا حضور کی اقتداء کر کے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت میثاق لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, تمہیں اس پر ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی کرنا ہے. لہذا سارے نبیوں نے مقتدی بن کر اپنے ایمان کی بھی تجدید فرمائی ہے اور حضور کی مدد بھی فرما دی ہے. لہذا بشریت کو معراج. پھر اس کے بعد ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا, اذ یغشى السدرۃ ما یغشى, کہ جب وہ سارے نورانی ملائکہ اس سدرہ کے درخت پر بیٹھ گئے کتنا نور ہوگا. لیکن قرآن کہتا ہے وہ آیا اس نے سارے نور کو ڈھانپ لیا. حضور کا نور سارے ملائکہ کے نور پر غالب آ گیا. اذ یغشى السدرۃ ما یغشى, اور پھر ایک مقام آیا جبرائیل نے کہا لو دنوت ان ملتن لہ ترقت, یا رسول اللہ انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے نورانی پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. اور حضور مسکراتے ہوئے آگے چل کر یہ بتا گئے قیامت تک کے لیے میری بشریت یا نورانیت پر جھگڑا نہ کرنا. ارے جہاں نورانی ملائکہ کے سردار جبرائیل کی امتحان ہوتی ہے وہیں سے نورانیت محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. لہذا قیامت تک کے لیے نورانیت پر آپ نے مہر لگا دی کہ وہ نورانیت جو تمہیں نظر نہیں آتی وہ نورانیت جبرائیل کو بھی نظر نہیں آتی. جبرائیل کی نورانیت سدرہ تک ہے اور میری نورانیت کا سفر اس سے بھی آگے تک جاری و ساری رہتا ہے. تو یہاں پر آپ کے لطائف میں نورانیت کو معراج تھی, مسجد اقصی میں بشریت کو معراج تھی, اور وہاں پر نورانیت کو معراج تھی. اب اس سے آگے کیا گئی؟ اس سے آگے عبدیت مصطفیٰ گئی. اس سے آگے حضور کی عبدیت کی شان کے ساتھ گئے. معلوم ہوا کہ نبی کی شان رسالت بھی بڑی ہے, شان نبوت بھی بڑی ہے, نبی کی شان نورانیت بھی بڑی ہے, لیکن شان عبدیت سب سے بڑی ہے. لہذا اب عبدیت کو معراج ہوئی تو لو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضور قاب قوسین, یعنی اگر آپ دو یہ بھویں ہیں ان کو بھی قوسین بولتے ہیں, اور عربی کے اندر جو لوگ ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں اسے بھی قوسین کہتے ہیں, اور دو اگر کمان کو ملا لیا جائے تو وہ فاصلہ بھی قوسین کہلاتا. اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں, او ادنا, اس سے بھی قریب کر لیا. اب اتنا قریب کر لیا کہ حضور کی اللہ کی رضا حضور کی رضا ہو گئی, دونوں کی محبت بھی ایک ہو گئی, مودت بھی ایک ہو گئی, الفت بھی ایک ہو گئی, چاہت بھی ایک ہو گئی, دونوں کی نافرمانی بھی ایک ہو گئی, دونوں کی فرما برداری بھی ایک ہو گئی, دونوں پر ایمان بھی ایک ہو گیا, دونوں کا انکار بھی ایک ہو گیا. ہر چیز میں اللہ نے سارے فرق مٹا دیے, لیکن ایک فرق وہاں پر موجود رہا کہ خدا خدا رہا, مصطفیٰ مصطفیٰ رہے, رسول اللہ عبد رہے, اللہ معبود رہا. یہ فرق ختم نہیں کیا. لیکن جب وہاں پر پہنچے تو موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم طور سینا پر پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ جلوہ دکھا دے. ایک ادنا تجلی, ادنا اس معنی میں اللہ کی تو کوئی چیز ادنا نہیں, لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنی کم ترین ہو سکتی تجلی ڈالی. فخر موسیٰ سائقہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بے ہوش ہو گئے. لیکن یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں, لقد رآہ من آیت الاخرى, کہ دو لقد رآہ نزلت الاخرى, دوسری مرتبہ بھی دیکھا. اور ما کذب الفؤاد ما رآ ما زاغ البصر وما طغى, جب وہ ہزاروں سورجوں سے بڑھ کر روشن رب اپنے جلوے دکھا رہا تھا, حضور دیکھ رہے تو پلک جھپکی بھی نہیں, نگاہ میں کوئی کمی بھی نہیں آئی, نگاہ مصطفیٰ دیکھتی رہی, قلب مصطفیٰ تصدیق کرتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مزید گفتگو کریں گے, ارسلان تاج صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے. چھوٹا سا وقفہ ہے سر, وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات. رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم.